दोस्तों आज हमारे पास निसान आर्माडा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये कभी कभी गाड़ी रोड के अंदर बंद होता है, रोड में चलने के टाइम बंद हो जाता है और गाड़ी लंबा सफर ले रही है, लॉन्ग करेंगे। तो इसमें क्या मसला है, आप इसको डायग्नोज करके चेक कर दें कि क्या मसला है। तो कस्टमर का जो कंप्लेंट है, हर टाइम नहीं, कभी कभी ये लंबा सलक लेती है और गाड़ी कभी कभी खुद बहुत बंद हो जाती है। तब इसको करते हैं डायग्नोस, चेक करते हैं कि इसमें कौन सा कोड आ रहा है, तो उसी डायरेक्शन से हम चेक करते हैं। ये हेल्थ रिपोर्ट है, ये सिस्टम स्कैन है। हम लोग जाएंगे सिस्टम सेलेक्शन में, अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ईसीयू डायग्नोस करने का है। तो दोस्तों हमारे पास आया है P0340 केम सेंसर बैंक वन, केम सेंसर सर्किट बैंक वन। तो अभी केम सेंसर P0340, तो अभी इसका लोकेशन बताएंगे कि ये कहाँ पर लगा, कि कमर फेलियर है ये गाड़ी उनका, और टीमों का निशान और टीमों का निशान और मैदा का। तो किसी इंजन में इसका जो केम सेंसर बैंक वन या बैंक टू आता है वो फ्रंट पे आता है, लेकिन इस इंजन का जो किस्सा है वो मुख्तलिफ है। ये यहाँ पे आता है बैंक टू का सेंसर, केम सेंसर बैंक टू यहाँ पे लगा है, थोड़ा आगे इस साइड में लगा होता है, ये बैंक वन है। तो ये साइड तो बैंक वन हो गया, ये बैंक टू हो गया, ये तो हमने कन्फर्म किया। लेकिन इसी जो थोड़ा नया मॉडल गाड़ी है उसका बहुत आसानी से केम सेंसर खुलता है। इसको सामने, बिल्कुल सामने इंजन के सामने लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यहाँ पे केम सेंसर लगा होता है। इसी थोड़ा नया मॉडल है, लेकिन ये मॉडल का बहुत ही मुश्किल जगह में है, पीछे है, इंजन के पीछे साइड में है। ये देखो हमने खोल लिया है, बहुत मुश्किल से खोला है इसको। उसका जो बोल्ट है पीछे साइड से है, तो ये बैंक वन सेंसर है, हमेशा याद रखना बैंक वन बैंक टू। इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज होता है, ड्राइवर साइड का बैंक वन आता है, पैसेंजर साइड का बैंक टू आता है। V8 इंजन में, V6 इंजन में मुख्तलिफ होता है, इसका अपोजिट होता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अभी सेंसर को चेंज किया, अभी कोड को एरेज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कोड को एरेज करने के बाद मसला हल हो जाएगा, इंजन का लाइट ऑफ हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।